होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम 10,000 पे पहुंच चुके हैं और आप लोगों की मोहब्बत है और ऐसे ही जारी जो हमने ये अचीव किया है और ये प्यार मोहब्बत ऐसे ही हमारे साथ बनाई रखिएगा। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वो ये वीडियो है जी सीमा और सचिन और जो गुलाम हैदर है पाकिस्तानी उनके बारे में और उनकी आपस में डिबेट में है और TV9 इनके चैनल का नाम है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन जुदो का लाजमी उनको भी सपोर्ट करें और उनकी वजह से हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंद्रे मेरे साथ हैं नदीम इकबाल मलिक सरदार इकबाल सो गाइस दैट्स स्टार। पाकिस्तान में जिस तरह से आप पबजी से जुड़ी देखिए इस तरह का पढ़ाई का मॉडर्नाइज एक मॉडर्नाइज प्यार है सीमा जी जो कि देश इस वक्त देख रहा है आपको और ये जानना चाहता है कि पबजी के जरिए आप सचिन से मिलती हैं और ये डिजिटल मुलाकात होती है और फिर मोहब्बत होता है कोई ताकत उसमें नहीं है जी। मैं आऊंगी हैदर साहब आप पहले सीमा जी को कंप्लीट करने दीजिए जी। बिल्कुल पबजी में हमारी मुलाकात हुई बिल्कुल पबजी में हमारी मुलाकात हुई हैदर को भी पता था शुरू में कि मैं पबजी खेलती हूँ। अच्छा हैदर को पता था कि आप पबजी खेलती हैं लेकिन पबजी तो एक ऑनलाइन गेम है मतलब उसमें आपको ये तो पता चल जाता है कि सामने से कौन खेल रहा है आपके अगेंस्ट लेकिन वो कैसा है उसका कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में कोई जानकारी होती नहीं है अगेंस्ट नहीं खेला जाता मुलाकातों तक कैसे पहुंच गया मामला अगेन नहीं खेला जाता चार पार्टनर होते हैं हाँ। साथी होते हैं चार और साथ में वो मतलब उसमें माइक ओपन का सिस्टम होता है कि आप बात बात भी कर सकते हो चैट भी कर सकते हो अच्छा यहाँ तक का सिस्टम होता है तो उसमें अगेन नहीं खेलते हम चार हम पार्टनर थे गेम के अंदर पार्टनरशिप में खेला जाता है चार दो ऐसे पार्टनरशिप में खेला जाता है तो ये मेरे गेम में साथी थे अच्छा ना कि ये थे कि मतलब अगेन नहीं 60 बंदे होते हैं पबजी में 60 बंदे होते हैं तो हर कोई चार चार करके खेलते हैं अच्छा यानी आप और सचिन मिलकर पबजी खेलते थे एक टीम में जी बिल्कुल बिल्कुल सर हैदर साहब आपको जानकारी थी पबजी खेलती है सीमा जी घर को लात मारते सच्चाई देखो जी आपको जानकारी थी जानकारी थी कि सीमा जी पबजी खेलती है हैदर को ये हैदर जी ये तो ये छोटा मोटा ये बात करता था कि वॉइस मैसेजों में भी मैं आपके पास वॉइस मैसेज भी सेंड करता हूँ कि भैया इसकी आवाज आ रही है पबजी का पबजी में हमें तो ये मेरा तो घरवाल ही था पबजी में कोई मेरे से इनमें डिमांड तो नहीं किया कि मुझे तलाक दो या मुझे छोड़ो पबजी तो फरहान भी खेलता था मेरा बेटा ये भी बोलता है कि हम जो है ना थोड़ा टाइम निकाल के खेलते हैं आप को मैं थोड़ा पबजी खेल रहा हूँ अच्छा ये खेल रहा था ये तो हकीकत है जी जी। अच्छा गुलाम हैदर साहब एक डर सीमा को ये भी था क्योंकि सीमा ने एक बार ये भी कहा कि अगर वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान लौटती हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी वहां का कानून ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान पहुंचकर हिंदू बन गई और हिंदू लड़के के साथ उसने शादी कर ली। सवाल सुना कीजिए सर क्या वाकई ये खतरा है इनके पापा जो है वो क्रिमिनल है कई बार जेल जा चुके हैं मैं हूँ खतरा कोई नहीं है मैं माल मैं वारिस हूँ मैं सीमा का वारिस हूँ मैं शोहर हूँ मेरे चार बच्चे हैं सीमा से मैं बहुत प्यार करता हूँ हैदर साहब लव मेरे एक बहुत प्योरिटी के साथ एक बहुत निष्पक्षता के साथ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ बहुत प्योरिटी के साथ सवाल पूछ रही हूँ हैदर साहब अगर आपकी पत्नी सीमा गुलाम हैदर अगर आपकी पत्नी ये कह रही हैं कि वो किसी से मोहब्बत करती हैं और उनके सेंटिमेंट्स हैं वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती तो क्या आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि जबरदस्ती करेंगे जोर जबरदस्ती करेंगे ऐसा करेंगे आप ऑनेस्टली जवाब दीजिए ईमानदारी से जबरदस्ती करेंगे हकीकत में हूं मेरा वाइफ है मेरा वाइफ किसी और के साथ अभी कह रहा है कैसे मैं इजाजत दूंगी मैं इजाजत कभी भी नहीं दूंगी आपको मान नहीं रही है वो शौहर नहीं मान रहा वो कह रही है कि मेरे पति सचिन है नहीं मान रहा है पूरा तो मान रहा है पैसे दे रहा है अब अगर तलाक दे देती है ठीक है चलिए थोड़ा सा और निष्पक्षता के साथ बात करते हैं अगर मोहब्बत करने के बाद हैदर साहब मोहब्बत करने के बाद सचिन से मोहब्बत करने के बाद अब अगर वो आपको तलाक दे देती है तो आप दे देंगे तलाक उनको पागल हो रहा है
मैं नहीं दूंगा तलाक, कैसे मैं दे सकता हूँ? मेरा घर इसने पूरा तबाह किया, बच्चों को लेके आया, ये मेरी घर वाली है, ये थोड़ा अच्छा गुलाम हैदर साहब जाएगा या इसको अच्छी डॉक्टर गुलाम हैदर साहब मेरी बात सुनो हैदर अच्छा सुनिए सुनिए गुलाम हैदर साहब आप देखिए आपका गुस्सा भी जायज है, आपकी नाराजगी भी जायज है, हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को भी, लेकिन मुझे ये बताइए कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो इस बात पर भी तो टिका होता है कि आपसी रिश्ते में भरोसा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, रजामंदी हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल, वो जब रिश्ते में रहा ही नहीं तो फिर रिश्ता किस काम का? पॉइंट ही है, जबरदस्ती चलाएंगे, डंडा बजाएंगे, इनके पापा इनके चाचा जो क्रिमिनल है कई बार जेल जा चुके हैं, वो मारेंगे मुझे। बताइए गुलाम हैदर जी, या क्या कह रहे हैं? मारेंगे नहीं मारेंगे, तेरे को कौन मारेगा, कौन मारेगा तेरे को? लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हैदर साहब। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे और देखिए हैदर साहब, जो आपसे मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब तो दीजिए। मैंने बात की आपसी भरोसे की, भरोसा ही खत्म हो गया है तो फिर रिश्ता किस काम का, यही सीमा भी कह रही है। भरोसा किसने खत्म किया सर? मैंने खत्म किया, सीमा ने खत्म किया। चलिए उन्होंने ही खत्म कर दिया, अब तो भरोसा नहीं रहा ना, आपसी रिश्ते में ना प्यार रहा, ना मोहब्बत रही, ना विश्वास रहा, ना भरोसा रहा, तो फिर रिश्ते में बचा क्या? अभी तो ये कहेगा ना, रिश्ते में भरोसा था तो मैं सब कुछ कर रहा था, पैसे दे रहा था, इसको सुकून पे घर बैठे हुए थे, बच्चे तालीम कर रहे थे, मैं तो पूरे भरोसे में था। तो ठीक है सीमा जी, से पूछ लेते ना कितना भरोसा बचा है, ये भी रहे थे। सीमा जी आप बता दीजिए कि अब कितना भरोसा बचा है, अगर एक मौका देना आप चाहेंगी इस रिश्ते को तो क्या वापस जाएंगी पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और कोई भरोसा नहीं मैम इनकी, आपको आपको पता नहीं है, मैं रह के आई हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ मैं नहीं रह। जब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछे ये मुझे कितना जलील करते थे, अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलोच करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। तो अब जब मैं यहाँ बैठी हूँ, वापस जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे, या आपको आपको बहका रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आप बहक जाओगे, यहाँ की सरकार बहक जाएगी और मैं वापस जाऊंगी हैदर में, मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, वापस तब भी नहीं आऊंगी। देखिए ऐसी भाषा का अगर हैदर साहब आप इस्तेमाल करेंगे पर मैं वापस नहीं आऊं, फिर तो इज्जत सम्मान बचता नहीं है। अपनी पत्नी के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने तलाक नहीं दिया है, मेरे पास वापस आना होगा, इस तरह से ये जोर जबरदस्ती वाली बात थी। आप खुद अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम नहीं, अगर मैंने तलाक दे, जी जी मैंने जब तलाक दिया, अगर मैं इनसे प्यार से मैं से रिक्वेस्ट करती हूँ, हैदर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जी बाजी, मैं अब चलो अब ले रही हूँ, चलो तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं तुमसे अब तलाक ले रही बाजी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हैदर, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, पत्नी मांगते हो, तो मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ जी। इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड यार, वो उन्होंने बात ठीक की है, वो मीडिया वाले ठीक बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि भरोसा जब रिश्ते में ख़त्म हो जाता है एतमाद, वो चीज़ जो होती है वो आपको इन चीज़ों पे ये शक करना, जैसे वो कह रही थी कि मैं बाहर चले जाती हूँ इनका फ़ोन आता है तो मुझे वो इस तरह की गालियाँ देना और धमकी देना कि मैं तलाक दे दूँगा और ये और वो, तो और पहली बात तो ये है कि औरत के लिए सबसे बड़ा मेरे ख्याल में सदमा और ये खौफ जो इतलाक ही होता है कि मेरा मर्द जो है मुझको ये वर्ड ना बोले, ये चीज़ मेरे पे ना आए, क्योंकि वो दबा लग जाता है। लड़के के लिए तो इजी होता है कि दोबारा शादी करना, विवाह करना, लेकिन एक लड़की के लिए उसके ऊपर स्टैंप लग जाती है। और ये भी एक मनफी किस्म का सवाल है जो हमारे माशरे में चल रहा है, इसको भी रिजॉल्व होना चाहिए। और सेकंड थिंग जो है, उनको उन्होंने बोला है जी कि मैं अपनी मर्ज़ी से मैं अभी लेती हूँ, अगर तुम प्यार मोहब्बत करते हो, वो बीच में बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन क्लियर नहीं थी, क्योंकि एक सवाल होता तो उसका जवाब होता तो फिर कन्वर्सेशन थोड़ी क्लियर होती, लेकिन यह है कि एक बोलता है उसके ऊपर तीन और बोल रहे होते हैं तो किसी का सवाल और किसी का जवाब समझ नहीं आ रही होती। लेकिन जितना ओपिनियन मैंने ऑब्जर्व किया है इसके हस्बैंड का, जो एक्स हस्बैंड है इनके सीमा जी के, और मेरे ख्याल में उनके साथ ज्यादा वो उस तरह हुई है कि उन्होंने जिस तरह सहूलतें वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की हैं लाइफ में और जो करना चाह रहे थे, लेकिन इन रियलिटी ये भी चीज़ है कि सीमा जी वहाँ पे उन्होंने उस बंदे के साथ लाइफ गुजारी है, उनको पता है उस घर में जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है और इस बंदे का माइंड सेट कैसा है, ये किस तरह चलता है और गुस्से में या प्यार में ये किस तरह रिएक्ट करता है।
तो हर चीज़ वो एक मिसाल बनी हुई है कि अगर आपने किसी के साथ सर्वाइव करना है तो उसको एक बार, या उसको दोस्त बनाना है, एक बार उसको गुस्से में देख ले कि वो कैसा है, तो उसके बाद उसके साथ दोस्ती यारी का हाथ बढ़ा ले, आप बेहतर रहेंगे, सुकून में रहेंगे। उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो बंदा कैसा रिएक्ट करता है, वो कैसा होगा, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन वो एक और पहलू भी इसके पीछे है, इस बात के पीछे कि उसकी ज़बरदस्ती शादी की गई है, और जब आप बाई फोर्स किसी को इस चीज़ के ऊपर लेके आते हैं, कहीं ना कहीं जेन में कहीं ना कहीं वो एक बगावत वाला सीन जो है ना। नहीं, वो कह रही है, वो सिर्फ कह रही है कि ये ज़बरदस्ती शादी हुई, लेकिन वो लड़का कह रहा है कि लव मैरिज हुई थी। तो काफी बंदे यहाँ पे भी गवाही दे रहे थे कि लव मैरिज हुई थी इनकी। मैंने भी ऐसे कोई सुना। अगर लव मैरिज हुई है, लेकिन लड़की ने बीच में जिक्र किया, जैसे सीमा जी कह रही थी कि मुझसे मोहब्बत करते हो तो अभी भी करते हो तो मुझे तलाक दे दो, तो इसी से भी बहरहाल निकल ये है कि वो लड़का भी डायरेक्टली बोल रहा है। आप कौन इनमें से वो चीज़ जो है वो कह रही है कि इनके बाप चाचा दादा जो हैं वो क्रिमिनल हैं, वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो उन्होंने फिर इस तरह की अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो उन्होंने हो सकता है। बात तो बिल्कुल ठीक है, मानने वाली है इस लड़की की, कि वो इधर आई तो लुढ़क जाएगी, लेकिन वो तो ना ही आए तो बेहतर है। लेकिन वो उसकी भी डिमांड वैसे ना, उसके जो एक्स हस्बैंड है उसकी डिमांड बड़ी चुदिया किस्म की है। जब लड़की तुम्हारे पास आने ही नहीं चाहती, एक औरत तुम्हारे पास आने ही नहीं चाहती, तो तुम क्यों उसको बार बार फोर्स कर रहे हो कि वापस आ, क्यों? क्योंकि वो अभी गैरत में चल रहा है, ठीक है, लोगों की बातों में और आगे लोगों की बातों में है, गैरत में चल रहा है, तो वो जब वो सिर्फ ये चाहता है कि वो पाकिस्तान आए तो मैं उससे बदला लूँ इस चीज़ का, बदला लेना चाहता है उससे, उसको मार देगा वो। तो लड़की ना ही आए तो अब बेहतर है, नहीं तो नहीं जिंदा बचेगी इधर। तो बाकी जो बच्चे हैं उनको अगर देखा जाए तो उनके लिहाज से जो है वो लड़का ठीक है, उनके लिहाज से ज़ाहिर है वो उनका बाप है। तो कुछ ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं। अब ज़ाहिर है लड़की ने तो सारे इल्ज़ाम उस पर लगाने हैं और लड़के ने इल्ज़ाम इस पर लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने तो मतलब कुछ और ही पहलू और कुछ और स्टोरी सुनाई है ना। यहाँ पे जो इनको जानने वाले लोग हैं जितने भी, उन्होंने तो यही कहा है कि ये मतलब गान इसको बना के दिया हुआ था, खर्चा भेजता था इसको, सारा कुछ करता था, बच्चे इसके पढ़ते थे, तो वो भी बीच में कह रहा था कि बच्चे तालीम ले रहे थे। तो लेकिन लड़की जो कहती है वो कहती है कि जो पहले अपने दो बच्चे हैं उनको तालीम नहीं देता वो, तो मुझे ये समझ नहीं आती वो, क्योंकि वो तो अपनी माँ के पास है, वो तो माँ देखेगी ना, उसकी पहली जो थी बीवी उसके पास दोनों बच्चे हैं, तो वो देखेंगे कि उसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, इसने तो खर्चा ही भेजना ना उनका भी। तो बाकी बच्चों को, जो बच्चों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये लड़की अकेली गई होती ना तो इतनी, मैं कहता हूँ कि हाई क्रिएट भी नहीं होनी थी, और इतनी जो बात है ना वो इतनी उछलनी भी नहीं थी। तो लेकिन सात चार बच्चे भी हैं ना, उनकी वजह से जो है ना काम जो है थोड़ा सा मैं कहता हूँ सेंसिटिव हो चुका है अभी। और इंडिया में न्यूज़ चैनल पर ये खबर बची, मैं कह रहा हूँ कि एक समझ इन दोनों को लेके बैठ के डिबेट कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है कि न्यूज चैनल वाले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे सवाल कर रहे हैं, कोई ये नहीं है कि किसी एक को हाइप कर रहे हैं किसी को, वो मैंने देखा है, लेकिन ये है कि न्यूज चैनल वाले ठीक सवाल कर रहे हैं, नॉर्मल सवाल कर रहे हैं, पर उनकी बात भी ठीक है कि जब लड़की जाना नहीं चाहती तो तुम क्यों उसको बार बार बुला रहे हो, तलाक दो, जान छोड़ो, बस बात खत्म। तो वो उधर खुश है, वो तो नजर भी आ रही है, वो उधर खुश है, या तो वो ज़बरदस्ती हो या बाय फोर्स उसको वहाँ पे लेके गए हो, तो फिर तभी भी बंदा कहेगा ये गलत हो रहा है कि बाय फोर्स उसको लेके गए हैं। लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी से गई है, ठीक है, खुश है, लेकिन उसके बच्चों को ये देखना चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर तो वो बच्चों का ख्याल रख सकता है, अगर वो वाकई बच्चों से प्यार करता है, तो फिर उसके बच्चे उसको वापस लौटाने चाहिए, और अगर वो नहीं कर सकता, अगर वो बच्चों को जलील करेगा तो फिर नहीं वापस आने चाहिए। ये पाकिस्तानी एजेंसियों को भी जो है ना बीच में आके ये रोल अदा करना चाहिए, और ये फ़र्ज बनता है। मसला ये है, ये है कि उसके अलावा अपना बाकी जो सचिन है वो तो चुप करके बैठा रहता है, जितने मैं इंटरव्यू देखे हैं एक दो में थोड़ा सा बोला था, नहीं तो चुप ही रहता है, तो अभी देखें। लेकिन ये जो औरत है ना, ये तो आप लोगों को भी नजर आ रहा है कि औरत तेज तराज है, कहते पांच पढ़ी लिखी लग भी नहीं रही मुझे तो हकीकत को मानना चाहिए ना, पांच पढ़ी हुई है और इसकी लैंग्वेज भी है इंग्लिश, यार बोल रही इंग्लिश का वर्ड यूज किया उसने, चलो इंग्लिश तो बोलना मतलब इतनी मतलब आने इतनी मतलब लड़की बोल, अब हम पढ़े लिखे हैं हमें इंग्लिश नहीं आती,
तो इसका मतलब हम क्या अनपढ़ हैं? वो तो एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तो वो तो अनपढ़ को भी आ जाती है, पढ़े लिखे को भी आ जाती है। कई पढ़े लिखे होते हैं उनको नहीं आती होती वो लैंग्वेज। याद रखें एजेंसियां बहुत कुछ देखेंगी। नहीं वो तो उनको देखना चाहिए ना, दोनों तरफ से देखना चाहिए, ये इंक्वायरी करनी चाहिए प्रॉपर, जो ठीक है उसके साथ रखना चाहिए। कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मामला नहीं है, मुस्लिम हिंदू का कोई मामला नहीं, नहीं वो इशू नहीं है। मैं वही कह रहा ना, वैसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इनके वो जहर है, वो खामंद है, उसका पहला जो शोर है वो उसके बच्चे भी है ना, आखिर उसका फोन है वो, तो उसको वो भी तो देखना पड़ेगा। और उसके अलावा ये वो जो सीमा है ये थोड़ी सी ना मुझे तेज दराज लगती है, और काफी सारे कमेंट भी मैंने देखे थे और उनमें लिखा हुआ था कि ये आईएसआई की जेंट है, तो ये है वो है, तो हो सकता है कुछ भी भाई हो सकता है, हम लोग एक साइड नहीं लेने चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती इसको लैंग्वेज की इतनी जल्दी कैसे मुझने पिक कर लिया, वो उधर की प्रॉपर लैंग्वेज अभी देखें, जैसे वो लड़का बोल रहा था पाकिस्तानी गुलाम है इधर, उसकी लैंग्वेज सुने वो इधर की रियल लैंग्वेज, तो उसकी अब लैंग्वेज देखे जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। वो जैसे कन्वर्सेशन करते हैं लोगों के साथ, बातचीत करते हैं, और जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, नफ्सियात ये कहती है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो लैंग्वेज अगर यूज़ करता है तो आप वर्ड पे करना शुरू कर देते हैं, उसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं, वो आप में छबी आनी शुरू हो जाती है। वो बात तो हो सकता है वहाँ से, हम इतने अरसे से 4-5 साल हो गए हमें रिएक्शन देते हुए, देखें वो से कम लफ्ज जो है ना हमने पे किए हैं, वो सारी इंडियन वीडियो में हम करते हैं ना, यूज करते हैं। तो बाकी ये है कि बाकी वो खुश रहे यार, अगर ठीक है वो अपने मर्जी से गई है, खुश रहे, हमारी दुआएं खुश रहे, सही सलामत रहे। और जो पीछे खामंद है उसने तो दूसरी शादी तीसरी शादी कर लेनी है, ठीक है उसका कोई नहीं मसला नहीं है, बस मसला सिर्फ बच्चों का है, बस अगर वो खुश हैं तो कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है, ओके है। किराएदार ने भी मेरा वीडियो मैंने देखी थी, उनका किराएदार जो था मालिक मकान जो था जहाँ पे किराए के घर में रह रहे थे, तो उसका इंटरव्यू भी आया, वो भी कराची के हैं, तो जो बिहारी कराची वाले होते हैं ना सेम टू सेम वैसे ही हैं, तो वो बड़ा इंटरव्यू दे रहा था, वो कह रहा था कि इन्हें नॉर्मल वे रखा हुआ था, तो इसकी बीवी मुझे कहती थी कि मेरे शोर पैसे भेज देंगे आपको, डायरेक्ट मेरे पास पैसे आते थे और उसके बाद किराए के बाकी मैं उनको दे देता था, डायरेक्ट पैसे मालिक मकान के पास आते थे, वो पैसों में से इनको पैसे देते थे, ठीक है डायरेक्ट बीवी को देने चाहिए पैसे उसके पास आए, मैंने भी नहीं सुना, ठीक है वो इंटरव्यू में कह रहा था ना, ये चीजें गलत होती हैं, ये वैसे हम लोगों को सोचना चाहिए कि आपकी बीवी है या अगर कोई हमारी बीवी है तो उसको डायरेक्ट पैसे देने चाहिए, ना कि किसी और का मोहताज करना चाहिए, सीरियसली बात है इसमें। मैं मेरे ख्याल में वहाँ पे उसे ये डाउट था कि ये पैसे मैं उसे डायरेक्टली दूंगा तो पता नहीं कहाँ पे खर्च करेगी या कहाँ पे लगाएगी, या हो सकता है उसने महीने के उसे अलग दे दिए हों, ये वो मालिक मकान को दे रहे हैं कि डायरेक्टली तुम्हें दे रहा हूँ, ये ना हो इसमें भी खा जाए या कुछ कर दे, उसको पहले डाउट है इन चीज़ों पर, शक उसको था जो भी, मैं वही कह रहा ना लड़की खुश नहीं थी उसके साथ, ये तो क्लियर बात है, वो खुश नहीं थी उसके साथ, वो तो ठीक है वो अपने मनपसंद लड़के के पास आ गई, बिल्कुल हमें उसे कोई इतराज नहीं है, उसने हिंदू मजहब चूज किया, यकीन करें कोई फर्क नहीं, हर आदमी की अपनी मर्जी है, क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस है, जो मर्जी मजहब में रहे। एक बात है ना कि कुछ लोग कहेंगे कि मजहब चेंज उसने कर लिया है, तो मुसलमान भी इस चीज पे भड़केंगे, होता है सारे भड़कते हैं, और कोई जाहिर है अगर हिंदू होगी तो मुसलमान होगी, तो हिंदू को मतलब होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, मुसलमान भी होते हैं, कोई इतराज नहीं है इस बात पे, उसकी अपनी च्वाइस है, हिंदू रहे क्रिश्चियन रहे मुसलमान रहे उसका कोई हमें नहीं है, लेकिन जो उसके मतलब जो शोर है उसका वो जो घर बना के दिया था वो भी बेच के पैसे लेके और उधर से मंगवा के भी पैसे लेके, वो एक चीज़ गलत होती है ना। अब ये औरत ने गलत किया, मैं ये नहीं कहता कि वो बंदा बहुत ठीक है, बंदा भी काफ़ी सारा ख़राब होगा, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि वापस ना आए बाकी मारी जाएगी, नहीं वो जिस तरह की बातें बता रही है वापस आने नहीं, वापस ना ही आए तो बेहतर है, तो उधर ही रहे अब, उधर ही जो है ना वो सेटलमेंट करे अपनी, लेकिन ये है कि बच्चों के मामले में एजेंसियों को पढ़ना चाहिए, और जो बंदा ठीक है जो बंदा उन बच्चों को संभाल सकता है उन बच्चों के वाले करना चाहिए, नहीं पता क्या बात है, असल इसमें इशू एक बन रहा है ना, इनकी घर में नहीं लगती थी ना, मेन प्रॉब्लम यही है जिसकी वजह से मतलब वो लड़की इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, हालांकि यार ये घरों में हर जो भी आदमी शादीशुदा है या 5-6 आदमी की फैमिली है ना, वो समझता है कि घर में यार छोटी मोटी होती रहती है, अभी इसकी बाद में पबजी पे मोहब्बत में जो दोस्ती थी बदल गई ना, तो अभी इसको अपने शोहर में यार ये चीज़ें नज़र आएंगी,
क्योंकि मैं इस चीज़ को मैंने देखा है कि फैमिलियों में, कई फैमिलियों में मेरा आना जाना है, तो यार छोटी मोटी होती है, जब लड़ाई होती है ना, मैं देखा है वो बहुत सी बातों को ना उठा के लेके आ जाते हैं, मेरे ये भी किया ये भी किया, तो यार ये बहुत सा होता है, मामला ऐसे होते हैं, तो इससे ये नहीं होता कि घर छोड़ के चला जाना। ये गलती थी इस औरत की, अभी देख लेना आने वाले वक्त में, मैंने जो एक दो इंटरव्यूज और भी देखे हैं ना, तो उसमें वो एंकर भी कह रहा था कि आप गलत तरीके से इंडिया में एंट्री की है, तो आपको अभी रहने का बहुत मुश्किल चांस है कि आपको इधर छोड़ा जाएगा। तो और उसके बाद उन्होंने बोला कि एजेंसियाँ सब कुछ देख रही हैं, फिर भी आपका तरीका अगर गलत था तो आपको पाकिस्तान डिपोर्ट करने का चांस, ऐसे सवाल उन्होंने किए ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एंकर ने दोनों तरफ सही सवाल कर रहे हैं, उनके सवाल जो है ना दोनों की तरफ सख्त भी कर रहे हैं, नॉर्मल भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांस जो है ना इस लड़की का इंडिया में नहीं दिखता। तो उसने ये बोला था कि मैं जेल में रहना पसंद करूँगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, लेकिन पाकिस्तान ना ही आए तो मैं, बाकी मेरा माइंड इसमें लग गया, वजह पता क्या है, नहीं वजह इसमें मैं बता देता हूँ ना कि जब ये पाकिस्तान डिपोर्ट होगी ना, तो फिर इंडिया ये ऐसा नहीं दे देगा, इंडिया भी उधर लगाएगा, तो पाबंदी के इस औरत की जान की हिफाजत होनी चाहिए। तो और ये रहने का चांस काट कम है, बहुत ज़्यादा बच्चे भी बहुत मुश्किल है इंडिया में रहें, वो ये एक रूल होता है, रूल के साथ मैंने आपका एक देखा है, वकील को देखा है, वकील बोल रहा था कि इनकी गलत एंट्री इंडिया में हुई है, तो हमारा अल्लाह हमें ऐसे बताता है कि इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उन्होंने बोला था ना केस होगा, केस सियासी पनाह का केस करेगी, तो इसमें हो सकता है चांस है, बाकी बच्चों का वो वकील बोल रहा था बहुत कम चांस है वो इंडिया में रुके, बाकी अगर जान को खतरा नहीं है ना, हाँ बाकी अगर वो लड़की आती है ना, तो ये अगर इंडियन हुकूमत हमारी किसी भी देखो सुभाष शरीफ होंगे, नवाज शरीफ होंगे, उनको बोलेगी कि इनकी जान की जो है ना हिफाजत करोगे तो देंगे, तो ज्यादा चांस है पाकिस्तान आने की सूरत के, तो मारने का भी चांस, हाँ मारने का भी चांस कम है यार, पाकिस्तानी एजेंसियाँ जो है ना बहुत पकड़ते हैं ऐसे लोगों को, तो बहुत कुछ यार चेंज हुआ है, बाकी माइंड गलत है मैं मानता हूँ, पाकिस्तान में ऐसे माइंड वाले लोग हैं वो नहीं छोड़ते, हकीकत बात नहीं छोड़ते, बाकी इधर जब अगर एजेंसियां मुलव्वस होंगी पाकिस्तानी, तो बहुत कम चांस है कुछ होंगे, कम चांस है, एजेंसियों को मुलव्वस नहीं होना चाहिए, सिंपल बात थी वो बार बार कर रहे थे उसमें, बाकी बहुत कुछ देखो यार देखना पड़ेगा, खत्म हो गई है, मैं इधर आ गई हूँ, अब एजेंसियों को एक चीज को एक्सेप्ट कैसे करेगा, देखो ये इंडिया अली भाई ने रिवर्सिबल हो ही नहीं, अली भाई ने भी बहुत एक बात जबरदस्त की है कि इस लड़की की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर इंडियन एजेंसियों को करेगी, कि कुछ भी देखो हो सकता है, क्या पाकिस्तान इंडिया में जासूसी नहीं हुई पहले, मैं बहुत से ऐसे केस देखे हैं इंडिया पाकिस्तान की, मैं खबरें सुनता रहता हूं, ऐसे मैंने ऐसे देखे हैं जो इंडिया पाकिस्तान जासूसी की एक दूसरे की, तो ये देखो एजेंसियां बहुत कुछ पीछे देखती हैं, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन पीछे देखें तो 65 के बाद जासूसी का जो नेटवर्क बहुत तेज़ हुआ था, तो अभी भी मामला बहुत हाई लेवल तक जाएगा, एजेंसियाँ बहुत मुश्किल में, अगर एक और बात भी है यार, इधर एक सवाल और भी उठता है ना कि इंडिया में कोई भी बंदा ऐसे ही मतलब दाखिल हो सकता है इतनी आसानी से, बहुत कुछ इसके पीछे देखना पड़ेगा अली भाई, नेपाल के थ्रू ही सही, नेपाल के थ्रू ही सही, हर मुल्क में कहीं ना कहीं दाखिल होते हैं यार, पर ये में दाखिल हो जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, जो डंकी लगाते हैं, जो लास्ट टाइम जो अमवात हुई है जो, वो भी इसी तरह कर रहे थे, गैर कानूनी इंटर हो रहे थे, इंटर होने के बाद वो सारी चीजें करते हैं, तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इसलिए कि दुश्मन मुल्क के सामने, ये तो वो दुश्मनी का सिलसिला जो चल रहा है, वो बीच में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उनको एजेंसियां अगर इस चीज को हैंडल करती हैं तो मेरे ख्याल में मामला जो बहुत लंबा निकलने वाला है, तो अगर ये इसको क्लियर आउट कर देती हैं, इसको नेपाल भेजती हैं या फिर पाकिस्तान भेजती हैं, और ये गारंटी देती हैं कि लेती हैं कि आप इन्हें तंग नहीं करेंगे, आप इनकी हिफाजत करेंगे, और सिक्योरिटी का जिम्मा उनको देके उसके बाद इनको रिकवर करने की वो के वापस बुलाने की कोशिश करेंगी एजेंसी, अगर इस तरह इसको वापस नहीं आना चाहिए, बाकी बच्चों को जो देखें कि बच्चों को कौन मतलब ठीक रखेगा वो एजेंसियां सिर्फ देखेंगे, अब बच्चे उनकी जिंदगी मेरे ओपिनियन के मुताबिक जहां तक मैं सोच रहा हूँ उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है ऑलरेडी, अगर वो माँ की तरफ भी जाते हैं तब भी ताने मिलेंगे, बाप की तरफ जाते हैं तब भी ताने मिलेंगे, वो तो माँ के मतलब कि आपकी जो वादा थी वो इस तरह की जिंदगी बाप की तरफ जाएगा, माँ की तरफ मैं भाई अपने आप को एक समय रख के देखे ना कि अगर आपके बच्चे जाते हैं
तो आपका क्या दिल नहीं करेगा कि मेरे बच्चे वापस आए मेरे पास? बिल्कुल करेगा, नो डाउट करेगा, लेकिन यह है कि बच्चों के लिए आप बात कर रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है, उनको बड़ी मुश्किल देखनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि इन दोनों ने सोचा नहीं है, ठीक है, हैदर ने और सीमा ने, और जो फैसला उन्होंने कर दिया जो भी हताएं या गलतियां हुई हैं इनसे माजी में, उनके ऊपर देख रहे हैं इन्होंने गलत फैसला ले लिया और उसके बाद सीमा उधर पहुंच गई हैं, उन्होंने चलो अपनी ज़िंदगी का फैसला ले लिया, अब इस बंदे को भी सोचना चाहिए मैं भी अपनी ज़िंदगी का फैसला लेके आगे बढ़ूँ। अब बच्चों को ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये दोनों के दरमियान बच्चे पिसते हैं, आ जाके उनका मुस्तकबिल, अभी वो 18 के या 20 के होंगे, थोड़ी सोच समझ रखेंगे, तो फिर जवान बंदा जब होता है बिल्कुल जवानी में आ रहा होता है तो उस इस तरह की बातें वो सुनने को मिले माशरे में से, तो यकीन माने वो कहता है कि ज़मीन फटे और मैं उसमें निकल जाऊँ, बिल्कुल, लेकिन उनका कसूर नहीं है, उन अब माशरे को कौन समझाए कि उनका कौन बेचारों का कसूर नहीं है, वो छोटे थे उनको नहीं पता इन चीज़ों का, तो लेकिन यह है कि माशरा हमारा जो है पाकिस्तान में भी आएंगे तो यहाँ भी तो यही चाहिए ना उनको कि तुम्हारी माँ तो भाग गई, भाग गई तो उधर उधर हो गया तो कहेंगे तो बाप को छोड़ के आ गई थी तुम्हारी माँ और ये भाग, वो मतलब ये आने वाला बच्चों ने ये परेशान हो सीधी सी बात है, यकीन करें बाकी मन कुछ नहीं है मुझे, ये सीमा क्या कर रही है, गुलाम हैदर क्या कर रहा है, सचिन क्या कर रहा है, उनकी अपनी लाइफ है अपनी गुजारेंगे वो सारे खुश हो जाएंगे। देखो बच्चों एक बात ये भी है यार, हैदर की जिंदगी आगे भी तबाह हुई थी, उसको सबक मिला हुआ है, वो अभी भी मेरा ख्याल अगर औरत आती है ना, मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है कि वो अपने बच्चों के लिए इस औरत को माफ़ करेगा और इसे एक और मौका देगा, ये मेरा अपना ज़ाती देखो हर आदमी की अपनी एक मर्जी, मेरा एक चांस है कि उसको एक बार आगे चोट आ चुकी है तो चांस कम है, देखो फिर भी देखो आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, सोशल मीडिया का दौर है सब कुछ हमारे इन शॉर्ट सी बात यह है कि यहाँ पे आप देख लें कि बड़े बड़े लोगों का कत्ल होता रहा है, उनको मारा जाता रहा है गैरत के नाम पे, बहुत सारी सेलिब्रिटी ऐसी है जिनको मारा गया है और क्या कुछ पड़ताल हुई है, कंदील बलोच एक ड्रामा बना हुआ था, हाँ बिल्कुल ड्रामा भी सब कौन सा था बेशरम था ड्रामे का नाम इसी तरह का नाम था सबा कमर और इंडिया में बड़ा टॉप पे जा रहा था वो भी ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा था लेकिन इंडिया में बहुत देखा जा रहा था और वो रियल स्टोरी पे बेस्ड था और जिस तरह की माजरे में जो चीज़ें हो रही थी वो उसमें दिखाई गई हैं और कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने कहा बकवास ही कर रहा है और कुछ भी नहीं है, डायरेक्टर ने ऐसे कह दिया, लेकिन यह है कि वो रियलिटी थी, एक लड़की के साथ बीती है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आज ही सीमा और उसके पास सिक्योर हो, आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं मानता, बच्चों की वजह से यार, इधर मैंने और बहुत से केस देखे हैं बच्चों की वजह से शोरों ने अपनी यार, अगर बच्चों की वजह से होता तो वो पहली बीवी को भी अपने पास रखता, अगर बच्चों की वजह से होता भी नहीं, उसका तो मसला ही नहीं पता, हो सकता है कोई और मसला उसमें हो, तो फिर बच्चे तो गए हैं, बच्चे उसने दे दिए, देखो अभी इसको 4 बच्चे हैं ये नहीं छोड़, बाद में हुए ना, पहले तो नहीं थे ना, पहले वो बच्चों का नहीं सोच सकता था यार, इधर यकीन करें हम ये नहीं कहते गुलाम हैदर बड़ा दूध का दुला हुआ है, मेरा एक माइंड सिर्फ मसला ये है बच्चों का, बाकी जो भी है ठीक चल रहा है, जो सीमा की हारी की आपने अपनी मर्जी है, मैं भी अपना जो चॉइस जो मर्जी चॉइस करें, जिसके साथ मर्जी है रहें, जिसके साथ मर्जी शादी करें, हारे की अपनी अपनी चॉइस होती है, अभी हमें कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं तुम उसके साथ ना करो इधर आओ तो हमें कितना गुस्सा आएगा, तो इसी तरह उनकी अपनी मर्जी है, वो कर रहे हैं एंजॉय करें जो मर्जी है करें, गुलाम हैदर इधर तीसरी शादी कर लेगा उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस बच्चों का सोचना चाहिए उनके बारे में, कोई अच्छा फैसला हो जाए तो हम भी मतलब सारे लोगों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बाकी है कि वीडियो अच्छी थी और इनकी कन्वर्सेशन भी अच्छी थी और आने वाला वक्त क्या फैसला देगा और गवर्नमेंट्स जो है दोनों गवर्नमेंट्स जो है वो क्या फैसला लेती हैं इसके ऊपर वो भी देखने लायक होगा सुनने लायक होगा और वीडियो अच्छी थी, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें चेक करें सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पीस।